है कमरा डंडा मार रहे हो ऐसे। शाबाश शाबाश शाबाश, वाड़ी वाड़ी वाड़ी। ओ दादा हंसती है अब, माशाल्लाह कोई टेंशन भी नहीं है ना। वो ब्लड नन्हे मुन्ने को साकेब काम से गए हैं, लेकिन आप वो ये बताएं कि वो हो गया है काम के नहीं। मैं भी तफसील से जरा बता दूं। हाँ जी, वो जो कारी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं और माशाल्लाह से घर में हमारे भी सारे ठीक ठाक हैं। तो सोबिया जैसे कि सुबह रवाना हुई थी तो रब्ता हुआ है, वो अपने अम्मी अबू के घर में पहुँच चुके हैं और वहाँ पर जो है अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। इस टाइम भी पहुँचते हैं, पूरा दिन लगता है, बहुत ज़्यादा सफ़र है ना। तो सुबह 10:30 बजे यहाँ से रवाना हुए थे, तो हमने जब रब्ता किया कहते हैं अभी अभी पहुँचे हैं, तो दिन ही गुजर जाता है, इतना लंबा सफ़र है। तो हमारे व्लॉग जो है शुरू हो चुका है, और वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बहन भाइयों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। तो करते हैं जी व्लॉग शुरू। शाबाश इस्तियाना, खेलो, जो खेल खेल रही हो ना वो खेलती रहो। हाँ इधर इस तरफ खेलो, इस तरफ खेलो। हाँ जूता तोड़ना है क्या? मौसम चेक करें जी, मौसम जो है बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। हाँ खेलो, हाँ खेलो, आप तो भाग भी नहीं सकती हो। जोर से, हाँ शाबाश, आपको डा आ जाता है कुछ है? खेल लेती हो, हाँ शाबाश। ये इसकी खेल चेक करें। ऐसे कर रही है, पता नहीं क्या बोलते हैं आगे। हाँ हाँ वो आप लोग भी खेला करते थे, अम्मी खेला करते थे खास तौर पर, वो बचपन में फीकरी जो बनाई होती है, एक वो फेंकते हैं, खाने बनाए होते हैं। वो तो बना रही है, वो तो खेल रही है, लेकिन ऐसे बच्चों को मैंने देखा है ना, ऐसे पड़ी होती है ना, फिर टांगे ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, एक उस खाने में उस खाने में। हाँ पता नहीं वो क्या पूछते हैं, दूसरा बंदा बताता है, फिर वो उस खाने में जाते हैं, तो ये वैसे कर रही थी। अच्छा अच्छा, वो तो हम कहते थे अलड ब्लड, वो कहते मालता, वही कर अलड ब्लड मालता ऐसे टांगे करके। हाँ करो अलड ब्लड। और अम्मी ने माशाल्लाह साकिब को उठाया हुआ है, हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने को। साकिब अम्मी के पास आ गए हो, झूले झूल रहे हो, मौजे कर रहे हो माशाल्लाह। अभी अभी नींद से उठा है और अम्मी ने उठा लिया, क्योंकि भाभी जी सालन बनाने में मसरूफ हैं, आज सालन बना रही हैं, वो सोबिया तो चली गई ना, इसलिए कौसर भाभी बना रही हैं। अच्छा और अम्मी आप लकड़ी लेकर आ गई हैं? अभी अभी आई हैं। अच्छा मैं समझा खाली आ गई हैं ऐसे। खाली नहीं, आप खुद तो कहती हो ना लकड़ मिलती नहीं है जंगल में, आज का जंगल में लकड़ नहीं मिलती, ढूंढनी पड़ती है वो जंगल। इतना हरा जंगल है, लकड़ मिलती नहीं है। नहीं मिलती है उसके में, उन्हें जब बाप ने अंदर जड़ना हो जाना, वो छिड़काते बढ़ाते, वही तो हर बंदा बनाता है ना लकड़ी, वही पर वो मोटी नहीं है ना, खुद ले बड़े बड़े ठीक है, यही तो होती है चूल्हे में, ऐसी तो होती है बालन, ऐसा ही होता है। वो तो कमरान पहाड़ी से ना जब ऐसे दुबे खड़े होते हैं ना, वही खाते हैं। अच्छा लेकिन अब वो नहीं मिलते, आग जलाने का काम हो गया। अगे ना बनीदान जंगल में ऐसे पड़ी होती थी, इकट्ठा करके उठा के। अच्छा मौसम नहीं आई जो काटते हैं ऊपर से बकरियों वाले या जानवरों वाले, अभी वो मौसम आएगी तो फिर ज्यादा पड़ी होगी। हाँ अभी वो दरख्त हो रहा है, दरख्त न्यू अभी पत्ते निकालेंगे, फिर उनको जाकर जब लकड़ी वाले वो जानवरों वाले काटते हैं ना, फिर वो लकड़ी हाँ, जब खत्म होगी ना फिर काटेंगे। हाँ फिर जंगल की तरफ, कपास तो खत्म होने वाली है ना, बस कुछ दिन बाकी है। अच्छा और अबू जी भी माशाल्लाह आज जिस काम से गए थे, पूछते हैं वो काम कर रहे हैं,
आज बता दूं जो काम था? बता दें, हमने तो पहले भी पिछले वीडियो में भी बताया है। अच्छा, हाँ कि किस काम से गए हैं, लेकिन आप वो ये बताएं कि वो हो गया है काम के नहीं हुआ। हाँ जी, मैं भी तफसील से ज़रा बता दूँ। हाँ जी, वो जो कारी साहब हैं जी, चक 33 BC में, अच्छा, जिनका हमने नलका भी लगवा के दिया था, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तकरीबन 100 के करीब तालिबे इल्म हैं उनके पास जी, बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं। हाँ, अभी आखिर में हमने वही नलका लगाया। वही आखिरी नलका मेरे ख्याल में लगाया। हाँ जी, वो काफ़ी दिनों से कह रहे थे, कुछ 10-15 दिन हो गए। हाँ, बच्चों ने और कुछ बच्चियों ने कुरान पाक का ख़त्म कर लिया है माशाल्लाह। वो प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे एक महफिल होती है, नाते पढ़ी जाती हैं, कुरान पाक सुन पढ़ा जाता है, उन बच्चों के नाम करते हैं ना जी जी, तो वही कर रहे हैं। आप टाइम दें, जब कहेंगे हम बनाएंगे वो प्रोग्राम। अच्छा, मैंने कहा यार जब आपका दिल करे जी आप बना लें, मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। बिल्कुल, तो आज सुबह सुबह वो आ गए थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि आज प्रोग्राम पक्का बनाते हैं, भी किस दिन करना है काम जी। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, भी आज जो भी डेट रखनी है रख लें। हाँ जी, तो मैंने कहा जो आपके मौलाना साहब को, अल्लामा साहब को बुलाना है आपने, उनसे टाइम लें। बिल्कुल, टाइम तो वो देते हैं ना बड़े, उनसे जो टाइम मिलेगा जी मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। सही है। तो उन्होंने कहा आपके जुम्मा वाले दिन का टाइम दिया है उन्होंने, माशाल्लाह, जुम्मा वाला दिन, वो भी शाम इशा के बाद। अच्छा, रात का टाइम है। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं आ जाऊँगा, हाजिर हो जाऊँगा जी। मैंने कहा मेरे लायक क्या खिदमत है? हाँ जी, तो यार अल्लाह के घर के लिए, बच्चों के लिए, मस्जिद मदरसे के लिए जो भी करेंगे ना, वो हमारे आखरत में काम आएगा। बिल्कुल सही, पाक राजी होता है जी। मैंने कहा जो चीज़ मेरे जिम्मे लगाएं मैं वो कर देता हूँ। सही है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे, 6-7 बच्चे हैं जी, जिन्होंने कुरान पाक ख़त्म कर लिया, अब उनको एक गिफ्ट देना है। अच्छा। वो गिफ्ट देना है, न्यू कुरान पाक लेकर उनको गिफ्ट देने हैं जी, उनके लिए जो माला हार वगैरह फूल वगैरह जो भी हैं वो भी लेने हैं। हाँ जी, तो मैंने कहा मैं हाजिर, मैं वो लेकर दे देता हूँ। अच्छा, मैंने कहा आज ही प्रोग्राम बना लें, आज ही ले आते हैं, फिर टाइम मिले ना मिले जी जी। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो आज चलते हैं। फिर वो हाफिज़ साहब और मैं गए उधर बहावलपुर। अच्छा। जी, उधर से माशाल्लाह अच्छे वाले कुरान पाक मिलते हैं ना, डेरा बखारी में मिलते हैं कुरान पाक, सब अच्छे होते हैं जी। ये हम नहीं कहते कि कुरान पाक वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, कुरान पाक माशाल्लाह अल्लाह की किताब है, सब अच्छे होते हैं, लेकिन उसके जो कागज़ और आग जो भी होते हैं वो मौलवियों को पता होते हैं जी। तो उन्होंने कहा है कि कंपनी जो है ताज कंपनी वाले, वो अच्छे होते हैं, उधर से मिलते हैं बहावलपुर से। अच्छा, तो उधर से लेकर आते हैं। मैंने कहा चलो उधर से चल ले आते हैं। हाँ जी, फिर उधर से गए कुरान पाक लिए, 6 कुरान पाक लिए। अच्छा, और एक दूसरा भी उन्होंने लिया, 5 सिपारा कहते हैं उनको। हाँ, 5 सिपारे एक साथ होते हैं। हाँ हाँ, वो भी लिए। अच्छा, और कुछ खुशबू वगैरह भी ली जी। तो उधर से आ गए फिर वापस डेरा बखा से, आकर हमने वो फूल माला जो भी होती हैं बच्चों को पहनाने के लिए। हाँ, ये सब इसीलिए करते हैं कि बच्चे खुश हो जाएं, उनका और जज्बा बढ़ जाता है, जज्बा बढ़ जाता है कि पढ़ाई में, कुरान पाक की तालीम में इतना इज्जत होती है जी। बच्चों का जहन है जिस तरह भी ले जाएं वो चले जाते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है, अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। वो मालाएं पहनाएंगे, उनकी महफिल होगी, बहुत सारे उनके वालदैन भी आएंगे जी, बच्चे भी सब होंगे, उस्ताद भी होंगे, अल्लामा साहब भी और भी होंगे, मौलाना साहब। हाँ जी, सबके सामने जब उनको फूल पहनाएंगे, उनको गिफ्ट करेंगे कुरान पाक जी, तो उनका दिल खुश होगा, आगे भी शौक से वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जुमा शाम को प्रोग्राम है इंशाल्लाह। सही है। तो ये थी जी बात, आप लोगों ने सुन ली है। हाँ जी, तो ऐसे ऐसे काम में तो ज़रूर हिस्सा डालना चाहिए, हम पीछे नहीं रहते हैं, अल्लाह पाक जब फुर्सत देता है तो हम पीछे नहीं रहते हैं, अल्लाह पाक की मेहरबानी से अल्लाह पाक दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो हम ऐसे कैसे इनकार कर सकते हैं जी जी। अच्छा, तो उसके बाद मैंने सुना है बाइक की जो है ट्यूनिंग भी हो रही है, अब कौन सी ट्यूनिंग कराएं, तीसरी, दूसरी, पहली? बाइक जो न्यू लेते हैं ना जी, उसकी 3 ट्यूनिंग होती है। अच्छा, पहली ट्यूनिंग होती है 1000 किलोमीटर जब चल जाए। अच्छा, दूसरी ट्यूनिंग होती है जब 2500 किलोमीटर पर पहुँचे। अच्छा, तीसरी ट्यूनिंग होती है 4500 किलोमीटर पर। सही है। तो पहली ट्यूनिंग 1000 किलोमीटर पे मैंने करवा ली थी।
हाँ वो कुछ दिन पहले हुई थी। हाँ महीना पहले हुई थी, 19 तारीख को, नवंबर की जो वो क्या सितंबर की 19 तारीख को जी। आज फिर वो 2500 किलोमीटर चल गई थी। हाँ फिर मैं चला गया मौलवी साहब को मदरसे पहुँचाया। हाँ जी। उसके बाद फिर मैं चला गया, मैंने कहा ट्यूनिंग करा लें। सही है। उधर से जाके ट्यूनिंग भी करवाई और उसके जो रिम होते हैं स्पूकें होती हैं तारें जी, वो भी कहते हैं कि पहली बार लाजमी उनको टाइट करवाना होता है। अच्छा अच्छा। वो दोनों टायर खुलवाए व्हील। हाँ। उनको टाइट करवाया, मुकम्मल सेटिंग कराई, ट्यूनिंग मुकम्मल कराई और एक एक नट काबला सब कुछ चेक कराया। हाँ जी। उसके बाद फिर उसकी सर्विस कराई, धुलाई मुकम्मल तौर पर जी। मैंने कहा साफ सुथरी रहे। हाँ। सब कुछ करा के ना फिर वापस आ गया। हाँ देखा है तो अभी ट्यूनिंग हो चुकी है। तीसरी ट्यूनिंग जो है जब मीटर पे 4500 किलोमीटर 4500 किलोमीटर चल जाएगी। हाँ। उस वक्त तीसरी ट्यूनिंग होगी, वो फ्री तीन ट्यूनिंग होती है जी। उसके बाद हमने अपनी तरफ से जब भी ट्यूनिंग कराए। हाँ वो तो फिर अपनी मर्जी होती है। और हर 1000 किलोमीटर चलने पे मोबाइल चेंज करना होता है। हाँ। और वो भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। और ये तीन जो ट्यूनिंग है ये वही करते हैं जिनसे ले आते हैं होंडा, होंडा कंपनी वालों की तरफ से होती है। हाँ। बाकी आयल वगैरह हम खुद दिलवाते हैं, वो तो पैसे भरने पड़ते हैं जी जी। वो तारे वगैरह कसवाई हैं, वो भी पैसे भरे हैं सर्विस के भी। हाँ। सिर्फ उनकी ट्यूनिंग होती है, वो ट्यूनिंग करा देते हैं। तो आए तो पैदल हैं, बाइक पे शोर कहाँ आए। वो चक में एक दोस्त हैं। हाँ। भाई हैं, उनके यहाँ कुछ मसला था डिलीवरी का। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा कि हमें बाइक चाहिए। अच्छा। हॉस्पिटल जाना है तो मैंने उनको दे दिया। चलो सही है, अल्लाह पाक खैर करे। सुन लिया अम्मी सारी तफसील? सुन लिया। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। ये थी जी तफसील। साकिब आपने भी सुन ली? हंसता है ये भी सुन रहा है। ए, ए, किधर देख रहे हो? इधर देखो, बाबा के पास नहीं जाना, अम्मी के पास ही बैठना है। उधर ही खुश हो रहा है अभी। और आज अम्मी ना कुछ परेशान हो गई थी मामू का सुनकर, हमने कहा दुआ करें अल्लाह पाक खैर करेगा। हाँ दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक दुआओं को कबूल फरमाता है। हाँ जी। अल्लाह पाक मेहरबानी करे, अल्लाह पाक उनका ऑपरेशन कामयाब करे। आमीन। हम भी दुआ करते हैं, पूरी फैमिली दुआ कर रही है, अल्लाह पाक उनको शिफा दे। आमीन इंशाल्लाह। अभी कॉल करेंगे पता करेंगे ऑपरेशन हो गया या हो रहा है या किस टाइम है। वो मैंने वीडियो देखी थी, वो बता रहे थे कि कुछ देर बाकी है ऑपरेशन करने में। अच्छा अच्छा। शायद अभी हो गया हो या शाम को हो ऑपरेशन। कुछ देर बता रहे थे तो फिर हो गया होगा, क्योंकि उनकी वीडियो जो आई है वो सुबह की है। हाँ जी। सुबह 9-10 बजे की दाखिला हो गया और ड्रिप लगी थी। हाँ चलो सही है, हमें दुआएं करते रहना। अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सलमान खान को शिफा दे। हाँ जी। उनका ऑपरेशन कामयाब हो। आमीन। कोई तकलीफ ना हो इंशाल्लाह। अभी जी चलते हैं किचन में, देखते हैं आज जो है क्या रेसिपी बन रही है। और सबसे पहले समिया से मिलवाते हैं। समिया इधर देखें, किचन के सामने बैठी है, क्योंकि इसको भी शौक है कि मैं ये काम करूँ। अगर ठीक होती तो काम करती, लेकिन देख देख के ना अपना दिल खुश कर लेती है। अगर ये ठीक होती तो हर काम करती ना, रकिया की हेल्प कराती, किचन में काम कराती, झाड़ू लगवा लेती खुशी से, लेकिन वो चल नहीं पाती ना, इसलिए बस देखती रहती है। हाँ जी समिया, काम करने हैं? आप कौन सा काम करोगी है? आप कौन सा काम करोगी? सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। सलाम नहीं करना? आपकी तबीयत ठीक है? किचन में देख रही थी क्या बन रहा है समिया? आज आज क्या पका रहे हैं? आज पूछते हैं किचन में क्या बन रहा है। चलो चलकर देखते हैं, आप देखोगी? ये जी मेरी सिस्टर समिया, जो कि समझती भी बहुत कम है और बोल भी नहीं सकती और चल भी नहीं सकती, तो ऐसे ही बैठी रहती है। जो भी न्यू आते हैं जिनको पता नहीं होता उनके लिए मैंने बताया है, तो आप सामने ना देख लेना। और आज जो है सोबिया नहीं है, तो इस वजह से रिजवाना हानी बना रही है। वो देखें माशाल्लाह, मुबारक हैं, तकड़ी हो गई हो आप। जैसे मैंने कहा था कि वो पका लेती है, इसीलिए माशाल्लाह उसको मुबारकबाद दी है कि सोबिया ने ना इसको सिखाया था।
उसने इसीलिए सिखाया था कि अगर मैं कहीं चले जाऊँ ना तो पीछे टेंशन ना हो, पीछे हांडी भी पक जाए। रोटी तो आप लोग खुद देखते थे कि रिजवाना पकवा रही होती थी, माशाल्लाह खुद भी पका लेती है बड़ी बड़ी रोटियाँ, मेरे से भी बड़ी रोटियाँ। मैं इतना हुनर, मेरे से बड़ी रोटियाँ पकाती है, मतलब मैं रोटी बढ़ाता था ना तो ये इसकी रोटी ठीक होती थी। मैं तो लाहौर में पकाता था लेकिन अब भूल गया हूँ। और ये आटा भी गूंदा हुआ है, ये देखें आज बना क्या रही हो। कद्दू की रेसिपी। अच्छा, आज बन रहा है जी कद्दू की रेसिपी। और इसे जैसे कि सोबिया बताते थे कि ये अपना पानी छोड़ते हैं, तो ये नहर बनाई हुई है उन्होंने भी जी। इसका रास्ता तो नहीं है, फिर ये कहाँ से निकलेगा? ये सूख जाएगा पानी ना। सूख जाएगा? हाँ जी। अच्छा, छोड़ती है फिर पी जाती है? हाँ जी। तो फिर छोड़ती क्यों है जब पीती है? पता नहीं। अच्छा, तो ये काटा भी आपने है? जी, मैं और भाभी। ये जो काटते हैं वही बोते हैं? मजाक कर रहा था, माइंड भी नहीं करना। और ये इधर से सालन बनता रहेगा, इधर से रोटी पकाना शुरू कर दोगी? हाँ जी। नहीं नहीं, पहले सालन बना लो फिर रोटी पका लेना। नहीं, देर हो रही है, फिर भाभी आएगी, वो रोटी पकाएंगे। अच्छा अच्छा, लाइट से पका लेंगे, फिर लाइट भी नहीं जलती, अंधेरा आ जाता है। हाँ सही है, ये फिर लाइट भी तो खराब है ना, ये भी नहीं जलती, अंधेरा हो जाता है, इसीलिए तो सोबिया भी जल्दी कर रही होती थी। अगर सोबिया होती तो अभी शायद सालन बन गया होता। आपको याद आई है सोबिया की? क्यों याद आई है? पता नहीं। यही इसलिए। यही इसलिए याद आई है कि वो होती थी ना, गपशप हो रही होती, मजाकें हो रही होती, सालन बन रहा होता ऐसे। कभी फरमान कुछ बात कर देता, कभी वो कर देती, फांस बीच में फंस जाती रिजवाना। और ये है रिजवाना, ज़रा गौर से देख लें, ये मेरी फूफा की बेटी। जैसे कि मैंने कल बताया था ना, उधर सुहाना और बुशरा, ये उनकी बड़ी बहन है रिजवाना, मेरी फूफा की। मैंने फूफा भी कल दिखाई है अम्मी वाले चैनल पर, जो वीडियो लगी हुई है बेबी वाली, तो उस पर जाकर देखें इसकी अम्मी को, जिसने नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखें। मेरी फूफो लगती है और रिजवाना की अम्मी लगती हैं। रिजवाना को हमने इधर इसलिए रखा हुआ है, ये हमारी बहन है, हम इसको पाल रहे हैं, माशाल्लाह से काम शाम कर लेती हैं सारा कुछ, आगे जो नसीब होगा। नहीं आता था, सब कुछ नहीं आता था, चाय भी नहीं बनाना आती थी। हाँ जी, अब माशाल्लाह सब काम कर लेती हैं, इतनी छोटी सी होकर सारे काम करती है। और इंशाल्लाह ऐसे ही अल्लाह पाक इसको और कामयाबी दे, और आगे जो नसीब हुआ वो तो बात की बात है। तो इंशाल्लाह यहाँ पर इसको कोई भी टेंशन नहीं आने देते। जब पहली बार आई थी तो ये डर जाती थी, या इसको मसला मसाल जो भी होता था ना, मतलब खुश ना रहे, तो हम इसको इतना हंसाते इतना हंसाते, अब आदी हो गई है हमारी फैमिली में आकर, बहुत ज़्यादा हंसती है अब। माशाल्लाह कोई टेंशन भी नहीं है ना आपको? नहीं। हाँ चलो सालन बना लो, मुझे थोड़ी थोड़ी भूख नहीं लगी है। अभी अभी तो खाया है, अभी अभी तो सूजी खाई है ना, केले भी खाए है ना, पापड़ भी आपने कहा बनाए तो बना लिए। हाँ जी, तो वो खा लिए, इसलिए अभी थोड़ी सी भूख है, बाद में देखेंगे जब पक जाएगी फिर कुछ ना कुछ तो खाएंगे ना जी। बंदे को भूखा थोड़ा रहना चाहिए। अच्छा मुझे आ गई, मैंने तो उसको कहा था भाई आप जा रही हो तो मैं आपको कॉल भी नहीं करूँगा, 10 दिन आप अगर लगाओगे तो कॉल भी नहीं करूँगा, तो मैं क्यों कॉल करूँ? उसके पास निकला तो अम्मी उनके पास। आप अपनी अम्मी से कॉल लेना, क्योंकि सोबिया से मैंने कहा मैं 10 दिन कॉल नहीं करने वाला, फिर कहते नहीं जानी आप कॉल करना, मैं कैसे मेरा दिल नहीं लगेगा, जानू ने भी, मैं कहा मैं जानू ने भी, फिर ऐसे तरिया मरिया लगा रही थी। जब आप कराची गए थे ना, हाँ, उस सारा दिन ना आपको याद करती थी, सारा दिन वो कहते फरमान आए, साथ में बैठे रहते थे। हाँ। मजाक क्या करते थे। हाँ याद करती है, तो इस बार पता नहीं अकेली कैसे रहेगी वहाँ। वो कहती है फरमान कराची में 10 दिन लगाया है, मैं भी इधर लगाऊंगी, इसलिए तो चली गई। आप जी अभी तक पानी सूखा नहीं है, अभी अपना पानी छोड़ रहा। अभी तो अपना छोड़ रहा है। अब हमने कहा जाकर विजिट कर लेते हैं जानवरों का, और सबसे पहले आ गई हमारे पास इस्तियाना, दरवाजे में खड़ी हुई के इस्तियाना पुत्र क्या हो रहा है, इधर देखो। हाँ जानवर देखने आई हो, मुंह जाई हुई थी जानवरों की। अच्छा
एक बछड़ा खड़ा है, बाकी कहाँ है? किधर चरने गई है? वाह 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 वाह, आपने चराना नहीं है गायों को, आप कभी नहीं चाहोगी। अच्छा इधर ना मेला लग रहा है, मेला, आपको पता है मेले का? मेले पे चीजें मिलती हैं, चीजें, गुड़िया मिलती है, खिलौने मिलते हैं, मिठाई मिलती है, झूले होते हैं, बेड़े होते हैं, बहुत बड़ा मेला होता है। अम्मी ये क्या उस बकरी को देख रही हो? अच्छा कैसी तबीयत है आप बकरी की? ये झाड़ी में देख रहे हो टूट गई है, जब धक लगा इसको, जख्म तो ऊपर था, जख्म तो इधर है। हाँ जख्म दिया नहीं, भी और धक लगा है। हाँ हाँ चेक कर लो, कर लो अगर कोई मुच्छी में मसला है तो इसके ना वो भईवाल से बात नहीं की कि इसको बेचे? उसी अब तो धारी करेगी, उसी साइड पे बिठा दिया, वो दुखती है ना जैसे मैं पकड़ा तो हाँ। लगी। तो ये दूसरों का क्या कर रही है फिर? ये दूसरे भी तो ऐसे ही हो गए हैं। वो जगह ना कोई थोड़ा थोड़ा पुंग रखता है। अच्छा ये इसी का बेटा है ना? हाँ इसका बच्चा, बच्चा है। तो वो दूसरी बकरी का बच्चा, वो दूसरी बकरी का है और ये इसी का है, माँ बेटे का जो है दोनों को। धक लगा हुआ है तो विंटा जीन है ना, उन्हें मालिश करते हैं, होनी कमरान को बोलते हैं। हाँ मालिश करके कुछ पट्टियाँ लगा के। अच्छा अंदर धक दे। हाँ सही है, इनको ठंड से भी बचाएं और इनको जख्मों पर दवाई वगैरह लगाएं, अगर नहीं है तो फिर मुझे बताना, ले आऊँगा जरा बखा से। नहीं पई है दवाई, पई है ना उसे जितने ढक के ना सारे को ऐसे ना वो पाँव पे। हाँ वो जब गए इतनी बड़ी, जिसके पाँव आप खुद देखते हैं कितने बड़े होते हैं, वो इन नाजुक बकरियों के टांगों पर अगर चढ़ जाए तो क्या होता है, बेचारे क्या करें। तो ऐसे ही हुआ है, गायें चढ़ी हैं इन पर, तो दुआ करें फिर ये सब जो है ठीक हो जाए। और हमारा एक बछड़ा ही घर में है, बाकी इस टाइम बाकी चरने गई हुई है। अम्मी जान जो है इनकी इंतज़ार खड़ी है गायों की और बकरियों की। वो अभी घास डाला है, पहले डाला तो खा लिया था, भरने का और डाल दूँ। हाँ जी, तो जब दूसरे बच्चे आते हैं ना वो अक्सर खा लेते हैं, भूखा रह जाता है, इसलिए मैं पहले ऐसा जा देती हूँ। हाँ 3 बजे का खोल दिया और वो गधा को भी घास डाल दिया है, वो देखें खा रही है उधर, क्योंकि गधा तो आजकल चरने भी नहीं जाती। नहीं जब छोड़ते हैं तो लोग कहना फसलों में चली जाती है। पहले चराते थे, पहले छोड़ देते थे, जाते थे तो पहले तो उधर भाग जाते, यहाँ से लेके आते थे वहाँ पर भाग जाते थे, लेकिन अब जो है छोड़ते नहीं है, ये फसलों में चले जाते हैं। जंगल में चरने जाए तो तल्ला वगैरह होता है, उधर नहीं जाती तो जिनके ना घास बीज हो गए उधर बन के खा लेती है। हाँ। फिर कल भी मैं हसीब को मैं कहा छोड़ दो, फिर गई तो उन्हें घास में तो उन्हें पकड़ के बांध लिया सारा दिन। मैं चपती रहती राज के आएगी। हाँ। तो सारा दिन उठे बांधी रही। अच्छा अच्छा, तो आज छोड़ा नहीं तो घास खा रही है। चलो जब घास मुकेगा तो क्या होगा, बकरियों के साथ छोड़ देंगे जंगल में। हाँ ये चरती रहती है बकरियों के साथ भी, गधा वगैरह जो भी जानवर है ना वो एक साथ ही चरते रहते हैं, यहाँ के आदी है। तो चराएंगे इंशाल्लाह बच्चे, अभी सोच विचार हो रही है कि इधर जो है कपास खत्म हो गया, दूर कहीं चराने जाए, मतलब रोही में जहाँ मेरे चाचू वाले रहते हैं उधर अभी कपास भी बाकी है और चरान भी होती है, या फिर इधर कोई और इलाका जहाँ पर फ्लड आया था, सैलाब के जो है जगह थी सारी, जहाँ घर डूबे थे वहाँ फसलें खत्म है, वहाँ पर चरांद, हाँ बहुत सारी चरांदे हैं, तो वहाँ ले जाते हैं जानवर को, रिहाइश भी वही करनी पड़ेगी। तो जैसे भी होगा आज बच्चे आ जाएंगे, क्या पता उनकी बात हो गई हो, पता चल जाएगा। हाँ कोई करना है ना, अभी जानवर भूखे तो नहीं रखने, अब जब घास बीजेंगे घास होगा फिर बाद में घर बांधेंगे। हाँ जी चरने वाले तो एकदम चरते हैं ना, और कुछ दूर ना जाए तो फिर भी जंगल में दिन का चरते रहे। हाँ। तूड़ी वगैरह डाल देंगे इधर करीब भी जंगल में चरने जाएंगे, जब इस टाइम आएंगे तो तूड़ी डाल देंगे। सही कह रही है अम्मी जान, तो चले अभी घर, अभी तो नहीं पहुँची ना। हाँ अभी जा रहे हैं काम करते हैं, बेबी को उठाती हूँ। हाँ बेबी को उठा ले, भाभी काम करेगी। माशाल्लाह अब जकिया आ गई है सालन पकाने।
तकिया के डिप्टी लगा दे रिजवाना। नहीं मैंने तो आग लगाया, पानी डाल दिया। अच्छा उसका अपना पानी खत्म हो गया था। अच्छा तो जकिया ने जो है आग इतनी तेज की हुई है, इतनी तेज की हुई है, कहती है कि पतीले से ऊपर आए आग, वो वैसे आ भी रही है। ये देखे पतीले से भी ऊपर आ रही है आग। ये गल भी जाए, इसका पानी खत्म हो जाएगा, ये नहीं गलेंगे। पहले मैं समझी वाला बाल में हो, अभी यही जलने देना और ना डालना। समझ गई हो जकिया? हाँ सियानी है। और ये देख बट्टी भी तप रही है, तत्ती हो रही है। हाँ जी ये देखें बहुत बड़ी भट्टी है, इस पे रोटियां सिर्फ तीन डालती हैं, पता नहीं आती है तीन है या। हाँ जी बड़ी डालें तो तीन आती है, अगर छोटी डालें तो चार आ जाती है। अच्छा कराची वाले लच्छे पराठे डालें तो वो तो बहुत सारे आएंगे। लेकिन वो जाएंगे इधर उधर, घी तो ऊपर रुकेगा नहीं। हाँ। ये गोल मटोल है ना, उसमें बांध सकते हैं। वो जकिया को बोलो आग कम रखे। अभी ना कुछ निकाल लेती हूँ इधर से। ये इतना आग जलाई हुई है, अभी अभी खत्म हो जाएगा पानी, वो कच्चे रह जाएंगे। हमने उसको बोला हम इधर से रोटी बना रहे हैं, आप उधर से ना आग जलाती रहना। हाँ फिर वो आग जलाती रही, झड़गा के बैठी थी। तो ना मोटियां लगाती, थोड़ी कम लगा लेती ना लकड़ी। हाँ आटा तो जल गया रिजवाना, पक गई। पका लो रोटी, पका लो। हाट बाट भी साथ में ले आके रख दिया, गरम गरम इसको ढकती जाओगी इसके अंदर। हाँ जी। अच्छा ये देखें जी रोटी पक रही है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहली रोटी डाल दी। पहली बरकतों वाली। हाँ जी नीचे से बिल्ली वो ऐसे बैठी रहती है। अच्छा आपके यहाँ ऐसे बैठ जाती है। लकड़ी से इधर भगा दो, ये रोटी पक जाएगी ना तो फिर खाती है रोज। हाँ जी वो भाग गई भाग गई। पहले रोटी बन जाएगी ना तो फिर इसको डाल देंगे। हाँ सही है, इनसे ना बरकत होती है। ओहो इस्तियाना ने क्या उठाया हुआ है, दिखाओ तो सही। ओहो कुल्हाड़ी, ये कहाँ से ले आई हो? मुनीब से आगे है मुनीब। ये तिक्खी होती है, इसको मुंह के करीब ना लगाना, ठीक है? अंदर रख के आओ। वो देखें जी गायें भी पहुंच चुकी हैं। और वो ये आप लड़ रहे हो, एक दूसरे को डंडा मार रहे हो, है कमरान? है कमरान डंडा मार रहे हो आसिफ को? हाँ आसिफ बेचारे का क्या कसूर है, अभी तो आया है गाया लेकर। ये निकल गया था। अच्छा अच्छा हाँ जोर से। मैं तो डर गया। अब मजबूत हो गया नहीं। ये और जगह लगा दो पट के। अच्छा इधर ही ठोक दो। हाँ शाबाश, जोर लगाओ जोर लगाओ। हसीब आप कुछ जोर लगा लो, कमरान होक रहा है। ये तो जाता ही नहीं है, अंदर से कुछ हो तो जाए। और बनाओ जल्दी जल्दी, और बनाओ जल्दी जल्दी, फिर वो लगा देना। बकरियां आ गई हैं इस्तियाना, वो आ गई। चलो आपको कौन सा वाला बकरा पसंद है, पकड़ो वहाँ उसको। हाँ ये वाला काला, वो जा रहा है, पकड़ो तो उसको। वो देखे छोटे भी भाग रहे हैं तीन टांगों से।
एक टांग तो खराब। और ये देखे आ गई है सारी बकरियां, ये भी भाग रहा है बंदा। वो और कुल्हाड़ी लेके आया मुनीर, पहले हसीब से लिया था। शाबाश शाबाश शाबाश, वाड़ी वाड़ी वाड़ी। ओ दरवाजा खोलो, जाओ उस्तिया ना, वो वाला दरवाजा खोलो, जाओ वो वाड़ी वाला दरवाजा खोलो। शाबाश 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 वाड़ी, जल्दी करो बकरियां इधर भाग जाएंगी। हाँ खोल दो, हाँ शाबाश, चलो वाड़ी वाड़ी वाड़ी, चलो बकरियां चलो चलो बड़े सिंगों वाली। चलो हकेल दो सारे कुश्तियां ना, उधर वाली हाँ सबको ढक दो। आओ आओ आओ, नहीं हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं था। माशाल्लाह अम्मी दूध निकालने जा रही है, अब तो गायें आ जाती हैं टाइम पे, देखे कितना सुख हो गया। हाँ सही बात है, ये अंधेरा हो जाता ना मुझे दूध निकालना भी मुश्किल मुश्किल हो जाती थी, जब तक मोबाइल की लाइट बाल के हाँ दूध निकालती थी, अभी हम सोच लेने लग गया तो दूध निकाल। हाँ अब तो टाइम से आ गई है। हाँ जी। तो वो मैं भूलना बोलना भूल गया, वो फिर बोल देना बच्चों को जो आपने कहा था। ढक दिया था बकरियाँ, हाँ ऐसे ही ढक दिया उन्होंने, तो वो एक किला जो है टूटा हुआ था वो भी बनाना है, पता नहीं बना रहे हैं या बछड़ी का। हाँ तो वो बना रहा है कमरा, मैंने उसको बोला और बना दो, वो तो नीचे से टूट गया है। तो पतला सा बना रहा है, फराएगी पता नहीं, वो तो पतला है छोटा सा कमरा ना। ऐसे बोले वो पर रुपया बड़ा किला बना हुआ। हाँ वही कमरान है, कमरान उधर सड़क पे पड़ा हुआ है एक बड़ा किला बना हुआ, वो ले आओ और वो लगाओ, ये नहीं इधर खड़ेगा। और मुनीब और आसिफ आप लोगों के लिए पैगाम है, वो मल्लम ले आओ बकरियों को लगा दो, वो जो लगाते हो जख्मों वाले ये इसको, और जो दूसरे हैं वो जख्मे वाली थे अभी अभी दूसरी पहले मालिश करना, वो मालिश करने वाली जाओ उधर बना हुआ पड़ा है वो ले आओ।